दूसरी जो महिला थी वो महिला थी ओदा देवी, जिसका नाम हमें नहीं पता। हमारी दूसरी जो बहन है वो ओदा देवी है, जिन्होंने ना पेन उनके पास था ना कुछ था, लेकिन हालात ऐसे थे जब ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना पड़ा था, तो हमारे समाज की वो बेटी थी जिसने अकेले 35 लोगों को, 35 ब्रिटिश शासकों को एक बम के साथ डाल दिया था। लेकिन हमें ये कहानियां घर पे नहीं बताई जाती, तो आप ये ना समझो कि आप कमजोर थी। आप हमेशा से ही शासिका रही है, आप हमेशा से उपासिका रही है, आप हमेशा से क्रांतिकारी रही है, और आप हमेशा से ऐसे समाज में जो जन्म आपने लिया है, आप सबसे पढ़े लिखे समाज की महिलाएं हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो महिला होती है वो हमारे घर की नींव होती है, और बुद्धि जब हमें ये कहता है कि महिलाओं की भी कुछ ड्यूटी होती है, लड़कियों की भी कुछ ड्यूटी होती है, जो उन्हें अपने घर में निभानी होती है, जो उन्हें अपने समाज में निभानी होती है। लेकिन आज की एक छोटी सी समस्या है कि हमारे घरों के अंदर या हमारी बेटियों के अंदर एक पॉइंट संस्कार जो एक्स्ट्रा होने चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे, वो कमजोरी हमारी है, वो आपकी नहीं है। हमें अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए कि बुद्धिज्म क्या है, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए जब वो 11-12 साल की उम्र में होती है, जब वो एक मतलब इंग्लिश में हम एडोलेसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था हिंदी में बोलते हैं, हमें उन्हें ये बताना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस साइड है। अगर आपकी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है तो आप उन्हें पढ़ाइए, आप उन्हें लिखाइए, उन्हें एक अच्छी पोस्ट पर लेके जाइए। अगर आपकी बेटी एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती है, वो समाज के अंदर कुछ करना चाहती है, तो आप अपनी बेटियों को ओदा देवी जी का इतिहास पढ़ाइए, आप अपनी बेटियों को नंगेली देवी का इतिहास पढ़ाइए। मैं कपड़े पहन के आपके सामने खड़ी हूँ, ये मैं अपनी बदन से नहीं पहने, मैंने ये कपड़े हमारी माता या हमारी बहन नंगेली देवी की वजह से पहने हुए हैं। एक वक्त ऐसा था बिना कपड़ों के घूमते रहते थे, लेकिन नंगेली देवी की बदौलत आज हम अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं आपके बीच में। तो हमें ये लिटरेचर अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, जिस लड़की का जिस भी जगह इंटरेस्ट है आप उसको उसी जगह पे पढ़ा दीजिए। अगर कोई लड़की राजनीति में जाना चाहती है तो आप उन्हें राजनीति के बारे में पढ़ाइए, उन्हें उन महिलाओं का एग्जाम्पल दीजिए जो राजनीति में सक्सेस हुई है। जैसे तो रजिया सुल्तान का नाम अपने सबने सुना है कि रजिया सुल्तान एक औरत थी और उसने पूरी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना मतलब पूरी दिल्ली सल्तनत को उन्होंने चलाया। इस तरीके से लड़कियों को पता चलेगा कि राजनीति में वो कैसे जा सकती है, वो कमजोर नहीं है। अगर आपकी लड़कियां ना राजनीति में जाना चाहती, ना सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती, और अगर आपकी लड़कियां खेल में जाना चाहती हैं इसी उम्र में 12 से 15 की उम्र में, तो आप अपनी लड़कियों को इतिहास पढ़ाइए हमारी बहन हिमा दास का, जो अकेली हमारी तरफ से रिप्रेजेंट थी और उन्होंने गोल्ड को जीता था। हमें ऐसे ऐसे लिटरेचर की जरूरत है जिनको सुन के हमारी जो लड़कियां हैं वो मोटिवेट हो, वो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और पूरे के पूरी दुनिया के लिए कुछ नया कर पाए। तो मेरे वक्त के हिसाब से मैंने ज्यादा ही वक्त ले लिया है, मैं दोबारा से सम्मानित मंच को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी लड़कियों को बहुत बहादुर बनाए। आप जो वक्त है वक्त की नजाकत को समझिए, हमें सारी बोली भाली लड़कियां जो थी हमें ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे आइटम बम बनाने पड़ेंगे जो समाज के अंदर एक नई क्रांति ला सके, लेकिन समानता और शांति के साथ। ज्यादा क्रांति और अशांति हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो थोड़े प्यार से और थोड़ी थोड़ी शांति के साथ हमें उनको आगे लेके आना पड़ेगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।